पटना से सटे वैशाली में कुछ दिनों पहले एक लड़की के लापता होने और फिर अगले दिन उसकी लाश मिलने की खबर से सनसनी फैल गई थी। पुलिस ने लड़की का पोस्टमार्टम कराकर शव परिवार को सौंप दिया और परिवार ने शव का अंतिम संस्कार भी कर दिया। इस मामले में परिवार ने लड़की की बलात्कार के बाद हत्या का आरोप लगाया था। मैं मीडिया ने भी ये खबर अपने खास कार्यक्रम खरी खरी में दिखाई थी। अभी पुलिस लड़की के हत्यारों को खोज ही रही है कि मृतक लड़की का एक वीडियो सामने आया है, जिस लड़की को मृतक बताकर पुलिस ने पोस्टमार्टम और परिवार ने अंतिम संस्कार किया था, वो खुद को जिंदा बता रही है। घटना के करीब 10 दिन बाद लड़की का वीडियो वायरल होने से हड़कंप मच गया है। पहले सुनिए कि लाश मिलने वाले दिन लड़की के पिता ने क्या कुछ कहा था। तो हम देखे हमारे बच्ची यहाँ पर खींचा करिया रंग के लोग पहनती है, कपड़ा जो है अच्छी जींस वो था। उनकी बच्ची के कान में दो जगह छेद था, वो पहनती कनवा ऐसे करके देखे तो दो जगह था, एक जगह में था पहले हुए। हम भी हमारी बच्ची है, पुलिस वाला कहा जाए आपकी बच्ची है, हम भी हमारी बच्ची है। मुँह पर तेजाब दिए हुए तनी मुँह से तनी हमको हैंडल नहीं उड़ा, लेकिन ये हमारी ही बच्ची उसका। तो आपने लाश क्यों उठाया, पुलिस वाला ने कहा आपको तो लाश नहीं उठाना चाहिए। दरअसल वैशाली जिले के रहीमापुर में बीते 22 अगस्त को बाकरपुर के रहने वाले एक शख्स ने अपनी बेटी के अपहरण की FIR दर्ज कराई थी। अगले दिन एक लड़की की लाश बरामद हुई। परिवार ने आशंका जताई कि उसकी रेप के बाद हत्या की गई है। शव की पहचान मिटाने के लिए उसके चेहरे को तेजाब से जला दिया गया था। शव के मिलने के बाद पुलिस हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर हत्यारे की तलाश में जुट गई थी। आज सुबह बिदुपुर थाना अंतर्गत रहीमापुर गांव के पास में एक यंग लेडी की लाश मिली है। उस संदर्भ में ऑलरेडी एक दिन पहले राजा पाकर थाना अंतर्गत लड़की पर जिन्होंने अपहरण का केस दर्ज कराया था नामजद अभियुक्तों के ऊपर, आज सुबह लाश मिली, उसका पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया सुबह के टाइम में एवं अग्रतर अनुसंधान। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है सर, परिजनों के द्वारा तेजाब डालने की बात और रेप की बात बताई जा रही है, ये सब बातें तो मेडिकल के बाद ही हम स्पष्ट रूप से कह पाएंगे। मेडिकल ओपिनियन अगर प्राप्त हो जाएगा, यदि ऐसी कोई बात होगी तो सुसंगत धाराओं का उसमें भी समायोजन कर लिया जाएगा। लेकिन इस मामले में नया मोड़ तब आ गया जब मेनका नाम की लड़की, जिसका शव बरामद होने की बात कही गई थी, उसने वीडियो जारी कर खुद के जिंदा होने की बात कह डाली। यानी पुलिस ने जिस मेनका का पोस्टमार्टम कर FIR दर्ज की थी और परिवार वालों ने जिसका अंतिम संस्कार किया था, वो 10 दिन बाद जिंदा सामने आ गई है। वीडियो में मेनका ने साफ कहा है कि उसने अपनी मर्जी से घर से भागकर शादी कर ली है और उसके पिता और घर वालों ने हत्या का झूठा मामला बनाया है। क्या कहती हैं, मम्मी पापा ने झूठ बोला है मीडिया के सामने? जी हाँ। क्या क्या था बात पूरा? जिस दिन लाश मिली थी शायद आपने अपने मम्मी पापा को फोन भी किया था? जी हाँ, फोन किए थे, मेरी दीदी उठाई थी फोन और हमने उसे बताया कि मैं जीवित हूँ। फिर भी उन्होंने कहा कि हाँ ये सब होगा, मैंने कहा ये सब मत करो, फिर वो बोली कि हाँ होगा ये सब। तो आपने बताया कि मैं जीवित हूँ? जी हाँ। बावजूद इसके आपके पिताजी ने कहा है कि मेरी बेटी मर गई है? जी। सुना है कि उस बॉडी का अंतिम संस्कार तक किया गया? आगे हम एक दूसरे को पसंद करना करते थे और हम दोनों शादी करना चाहते थे, हम अपने परिवार को भी बताएं, वो लोग राजी नहीं हुए और हमें मारने की धमकी दी। लेकिन मृतक के सामने आने और उसकी सफाई के बाद पुलिस एक बार फिर उलझ गई है। न केवल अपहरण का मामला दर्ज कराया गया था बल्कि एक लड़की का शव भी बरामद हुआ था। पुलिस अब तक उस शव को मेनका का शव मानकर जाँच में जुटी थी। मेनका का वीडियो सामने आने के बाद जहां एक तरफ बिहार पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं, वहीं पुलिस को अब पूरे मामले की नए सिरे से जांच करनी पड़ेगी कि आखिर वो लाश किस लड़की की थी। समाज को जो है कि अंतिम संस्कार कर लेके वो जिंदा पाई गई, सब अनुसंधान का विषय है। वीडियो वायरल हुआ, लड़की ने बताया कि हम जिंदा हैं, तो इट्स इन द एम्बिट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, देखा जाएगा क्या असलियत है, सभी बिंदुओं पर जाँच की जाएगी, उसके बाद आपको विस्तार से बता पाएंगे।